नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्नो इच्छवाकू चैनल। दोस्तों, जब से iOS 16.4 का अपडेट आया है, मैंने जैसे ही अपने iPhone 13 में इंस्टॉल कर लिया है, उसके बाद ओवरनाइट बैटरी ड्रेनिंग इशू देखने को मुझे मिल रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने कुछ उपाय किया और उस उपाय के बाद से जैसे पहले चल रहा था, जितना बैकअप मेरा आ रहा था बैटरी का, उतना ही आ रहा है। तो दोस्तों, ये जो उपाय है मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप लोग के साथ भी ये समस्या हो रही है, जो मैं सेटिंग्स बताने वाला हूँ उसको जरूर से आप कर लें। इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो जो मैं सेटिंग बताऊंगा, वो सेटिंग करने के बाद आपका फोन पहले की तरह हो जाएगा और आपकी बैटरी वाली सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं पहली सेटिंग की ओर। दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, कोई नया सॉफ्टवेयर अपडेट आता है आईफोन में तो कुछ ना कुछ एप्लीकेशन में बग्स वगैरह आते रहते हैं। इन सब की वजह से भी बैटरी में बहुत सारे ड्रेनिंग का इशू देखना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको समय समय पर चेक करते रहना है कि ये जो ऐप स्टोर है, इसमें कोई ऐप में अपडेट तो नहीं आया है। तो यहाँ अपने ऐप्स को हमेशा अपडेट करके रखें। इस तरह से आप जब कीजिएगा अपने अकाउंट में, तो देखिए ये 6 अपडेट फिर से मेरा आ गया है। तो इन सारे ऐप्स को आप अपडेट में लगा दीजिए। बिल्कुल देखिए, की नोट, नंबर्स, पेजेस, फ़ोनपे, SBI कार्ड्स, इन सब में अभी अपडेट्स आए हुए हैं। तो जब अपडेट्स करके रखेंगे, जो एक्स्ट्रा बैटरी ड्रेनिंग है वो कम जाएगा और सॉफ्टवेयर जो आपके ऐप्स हैं वो नए हो जाएंगे, जिसकी वजह से बैटरी ड्रेनिंग का जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये आप उपाय जरूर करके रखें। तो बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब क्या करना है कि आपको जब आप रात को सोने जाएंगे, तो उससे पहले आपको कुछ सेटिंग्स को हमेशा के लिए बंद करके रखना है। जैसे हम लोग को नेटवर्क्स में दो तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले मोबाइल डेटा आता है, उसके बाद ब्लूटूथ आता है, या अगर वाईफाई हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो आता है। सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद ब्लूटूथ वाले सेक्शन में जाएंगे और यहां से सिंपली इसको ऑफ कर देना है। यहां से ऑफ करने के बाद बिल्कुल आपका ये ब्लूटूथ ऑफ हो जाएगा। और उसके बाद वाईफाई में भी इसी तरह से जाना है और यहां से आपको ऑफ कर देना है। इस तरह से ऑफ करने के बाद, उसके बाद आपको अगर नेटवर्क मोबाइल डेटा वाले ऑप्शन में जाना है तो मोबाइल डेटा अगर ये ऑन है तो इसको यहां से ऑफ कर दीजिएगा। इन तीनों चीजों को हमेशा ऑफ करके ही रखना है रात को सोने से पहले। नेक्स्ट टिप्स की ओर चलते हैं दोस्तों। तो वो आपको क्या करना है कि रात को जब आप फोन रखने वाले हैं, अब यूज नहीं करने वाले हैं, तो आपके जो यहां से बैटरी सेविंग पावर मोड जो दिया गया है उसको हमेशा ऑन करके रखें, जिसको लो पावर मोड बोलते हैं, जो कि यहां रहेगा आपको कंट्रोल सेंटर में। अगर नहीं है तो सेटिंग में जाकर के इसको आप ला सकते हैं। तो ये लो पावर मोड ऑप्शन को आप इनेबल कर दीजिए रात के लिए। तो ये क्या करेगा कि जो बैकग्राउंड में बहुत से जो एप्स हैं जो फालतू में चलते रहेंगे, जो कि आपको भी नहीं पता है, उसको ये रोक करके रखेगा और आपकी बैटरी ड्रेनिंग समस्या को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा कि सोल्व करे और ड्रेनिंग भी कम होगी। इसके साथ नेक्स्ट सेटिंग की ओर चलते हैं। तो वो है डिसेबल लोकेशन एंड सर्विसेज। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। इसमें जाने के बाद यहां से सिंपली लोकेशन सर्विसेज सबसे ऊपर दिखाई देगा, इसको ऑफ कर देना है बिना कुछ देखे हुए कि क्या ऑफ है क्या ऑन है, इसको भी नहीं देखना है, इसको आपको ऑफ कर देना है, बिल्कुल ऑफ कर देना है। ये ऑफ करने के बाद आप निश्चिंत हो जाइए कि आपके जो फोन का जो लोकेशन सिस्टम है, जो सेंसर्स है, वो काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से बैटरी पर एक्स्ट्रा दबाव नहीं पड़ रहा है और आपकी जो बैटरी है वो अधिक चलेगी। ओवरनाइट ड्रेनिंग जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने में बहुत सहायक होगा। तो ये चीज आपको कर लेना है। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ अगर अगली सेटिंग की बात करें तो सिंपली सेटिंग में ही जाना है और यहां से जनरल में जाना है। जनरल में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बैकग्राउंड एंड ऐप रिफ्रेश। दोस्तों, इसको भी आपको वाईफाई जो पर रखे हुए हैं या मोबाइल डेटा पर रखे हुए हैं, इसको सिंपली ऑफ ही कर देना है, इसको ऑन नहीं रखना है। इससे होगा क्या कि आपके बैकग्राउंड में जो भी फालतू के एप्लीकेशन है वो तो आपका पावर मोड काम करेगा ही, लेकिन ये बिल्कुल पूरी तरह से आप पुष्टि हो लीजिएगा कि बैकग्राउंड में फालतू की चीजें चालू नहीं है, जिसकी वजह से मेरी बैटरी ड्रेनिंग इशू नहीं होगी और ओवरनाइट का जो प्रॉब्लम्स है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो इसको आप हमेशा ऑफ रखें। दोस्तों, वीडियो को देखते रहिए। अंत में आपको एक प्रो टिप दूंगा जो कि इन सेटिंग से भी अलग है, वो प्रैक्टिकली लाइफ में करना होता है। उसे करने के बाद आपके जो आईफोन्स की जो बैटरी जेन्युइनली है वो भी इन्हेंस कर जाएगी, उसके बैकअप्स। तो दोस्तों, अगर यहाँ तक आ ही गए हैं, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कंसीडर कीजिए। इसी तरह के मैं वीडियो लाते रहता हूँ और दोस्तों के पास शेयर कीजिए और एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इतना करने के बाद भी अगर आप देख रहे हैं कि मेरा ओवरनाइट वाली इशू सॉल्व नहीं हो रही है, कुछ हद तक है ही, तो आपको क्या करना है कि अपने जो ऐप्स है फ़ोन के
उसको देखना है कि कौन सा ऐप जो है मेरी बैटरी सबसे ज्यादा खा रहे हैं। तो बैटरी वाले सेक्शन में जाने के बाद यहां से सिंपली आपको ये दिखा देगा लास्ट 24 आवर्स का और लास्ट 10 डेज का। तो लास्ट 24 आवर्स में मैं देख रहा हूं कि मेरी जो बैटरी व्हाट्सएप जो है सबसे ज्यादा खा रही है 24%, फोटोज 23%, इस तरह से ये सारा लिस्ट जो है आपके सामने आ जाएगा। तो कुछ ऐसे भी आपके पास एप्लीकेशन होंगे जो बिना यूज के होंगे और ज्यादा से ज्यादा बैटरी ड्रेन कर रही है, उसको आप सिंपली यहां से अनइंस्टॉल कर दें या यूज नहीं बहुत दिन से किया है तो उसको ऑफलोड कर दे जाकर के सेटिंग में, जिसकी वजह से बैटरी आपको वो नहीं ड्रेन करेगी। दोस्तों अब बात करते हैं उस प्रो टिप्स की जिसकी मैं बात कर रहा था कि अंत में मैं बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो प्रो टिप है वो चार्जिंग साइकिल्स के लिए है। आपकी बैटरी का हेल्थ कैसा है, अगर वो 75% से नीचे है, 80% से नीचे है, तो आपको तुरंत जाना चाहिए और अपनी बैटरी को बदलवा देना चाहिए, चेंज करना चाहिए। नहीं तो इसका असर आपके आईफोन पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि बैटरी आपकी हो गई है खराब, चेंज करने की बिल्कुल अब नौबत आ गई है। दोस्तों अगर आपको बैटरी साइकिल चेक नहीं करने आता है तो उसका वीडियो मैं बना करके रखा हूं, आई बटन में आपको देखने को मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप चेक कीजिए। उस वीडियो में प्रॉपरली बताया हूं कि कैसे आप अपने आईफोन की बैटरी साइकिल को चेक कर पाइएगा। तो दोस्तों ये आप स्वस्थ जरूर हो लें कि आपकी आईफोन की बैटरी का परसेंटेज कितना है। उसके बाद एक और जो प्रो टिप्स है वो है आपके चार्जिंग से रिलेटेड। दोस्तों आपको चार्ज करना है 30% से लेकर के 90% के बीच, इतना ही हमेशा आपको चार्ज करके रखना है अपने आईफोन को। ये सब चीज को फॉलो कीजिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और चैनल को भी कंसीडर कीजिए। इसी तरह के मैं वीडियो लाते रहता हूं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।